आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ न्यू अपडेट के बारे में। इसके बारे में मैंने जानकारी तो आपको पूरी दे दी थी, पर अपडेट अब आज आ गया है और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें अभी हम खरीदते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नई मशीन स्क्वायरल जो कि बहुत प्यारी सी छोटी सी, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छी सी, इसमें जो एक नई वो चीज़ जो आई है वो स्क्वायरल है, तो वो हम खरीदेंगे, बुश खरीदेंगे, सारी चीज़ें अभी हम खरीद लेते हैं फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मशीन, ये स्क्वायरल का ये जो हाउस है इसको खरीदते हैं। देखिए आपके सामने मैंने खरीद लिया है और अब हम स्क्वायरल खरीदते हैं। देखिए 4000 की एक स्क्वायरल है और मैं 2 स्क्वायरल खरीदूंगी। मैंने आपको अपने अपडेट की जानकारी देते समय कहा ही था कि एक हाउस के अंदर हम 2 स्क्वायरल रख सकते हैं, तो एक देखिए मैंने खरीद ली 4000 की और एक दूसरी और 4000 की मैं खरीद रही हूँ। तो कुल मिलाकर के हमने 2 स्क्वायरल खरीद ली जो कि 8000 की हुई, और जो स्क्वायरल का हाउस था वो भी हमने खरीद लिया है। अब हम देखते हैं बुश खरीदने का, देखते हैं यहाँ पे नई वो आ गई होगी, पर अभी दिख नहीं रही है। ये देखिए 1200 की बुश है और ये भी मैंने खरीद ली है। हम करीबन 3-4 खरीद लेते हैं एक बार। और देखिए तुरंत आपने देखा होगा ये स्क्वायरल जा कर के इसको खाना इसने शुरू कर दिया है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, पीनट बुश के पास ये स्क्वायरल चली गई है और इसीलिए हमने इस हाउस के पास ही लगा दिया है अभी, कि अभी हम देखते हैं कि कैसे क्या सब कुछ होगा। आपको ये पास से दिखा देती हूँ मैं, ये दोनों स्क्वायरल जो है वहाँ पे चली गई हैं और इसके साथ ही मशीन भी मैं ख़रीद लेती हूँ। मशीन मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कॉस्टली है और करीबन 9 लाख की है। 9 लाख की मैंने आपको बताई थी, ये देखिए आपके सामने कीमत दिख रही है। 9 लाख की मशीन है, डीप फ्रायर है और इसको मैं ख़रीद करके अभी तो एक बार यहीं रख लेती हूँ, क्योंकि यहीं थोड़ा स्पेस मुझे दिख रहा है, यहाँ रख लेते हैं। जब ये बन जाएगी उसके बाद फिर मैं इसको सेट कर दूँगी। और देखिए डीप फ्रायर को ख़रीद लिया और ये 3 दिन और 23 घंटे के अंदर बन करके तैयार होगी। और अगर मुझे इसको तुरंत तैयार करना है तो आप देख रहे हैं पास में 89 डायमंड लिखे हुए हैं, तो अगर मैं 89 डायमंड पर क्लिक कर देती हूँ तो ये मशीन अभी तुरंत के तुरंत तैयार हो जाएगी। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं 3 दिन के लिए इंतज़ार करूँगी और उसके बाद जब ये तैयार होगी तब मैं आपके सामने ही इसको ओपन करूँगी और इसमें जो भी चीज़ें बनानी होती हैं वो मैं आपके सामने ही बनाऊँगी। अभी तो हम ये स्क्वायरल को ही देख लेते हैं एक बार। ये देखिए सबसे क्यूट चीज़ हमारी यही है, और इसके अलावा जो और जो नए प्रोडक्ट आए थे पर वो सारी चीज़ें तभी होंगी। ये देखिए इनके हाउस में जा रही हैं, ये कलेक्ट कर रही हैं ये, और उसके बाद फिर पॉट्स से ये पीनट बनाएंगी, तभी ये पॉट्स कलेक्ट कर रही हैं। देखिए 4 पॉट्स जो हैं वो इन्होंने कलेक्ट कर भी लिए हैं 300 में से, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। जब ये 300 पॉट्स कलेक्ट हो जाएंगे तब ये एक अपने को पीनट जो है वो देंगी और उस पीनट से हम सभी तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो बनाएंगे, चाहे वो हनी पीनट हो या कोई और हो, सैंडविच हो या जो भी कुछ चीज़ें होंगी। तीनों चीज़ें जो नई इसमें हमें जो पीनट से रिलेटेड ही थी वो चीज़ें तभी बन सकती हैं जब हमारा पीनट जो है वो रेडी हो जाए। तो अभी देखिए ये पीनट जो है वो अभी पॉट्स कलेक्ट कर रही है, उसके बाद ये पीनट बनाएंगी। डर भी ख़त्म हुई है, उसका कलेक्शन भी कर लेते हैं। देखिए हमारी डर्बी इस बार भी फर्स्ट आई है और हम उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, उसके रिवार्ड्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी डर्बी फर्स्ट आई है इसलिए जो है वो हमें ये एक्स्ट्रा रिवार्ड्स मिलते हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट 3 में आती हैं उन सभी को एक्स्ट्रा रिवार्ड्स दिए जाते हैं, तो ये हमें 3 एक्स्ट्रा रिवार्ड्स मिले हैं। और इसके बाद इसको तो हम ले लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं, इसके बाद दूसरी चीज़ें भी और सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या लेना है। मुझे प्लैंक की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मुझे बान अपग्रेड करना है, तो मैं प्लैंक लेती हूँ और इसके बाद हानी ले लेती हूँ।
बूस्टर तो अभी मेरे पास रखा हुआ है इसलिए बूस्टर नहीं लूँगी, इसकी जगह मैं ये ले लेती हूँ मैलेट, और यहाँ से पज़ल पीस ले लेती हूँ क्योंकि पज़ल पीस हमारे पास जब सारे इकट्ठा होंगे तभी हमारे जो है वो सेंचुरी से रिलेटेड एनिमल्स जो हैं वो पूरे खुल पाएंगे। तो हमेशा पज़ल जो है वो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उसको मैं ले लूँ, और आप लोग भी पज़ल पीस ज़रूर लिया कीजिए ताकि हमारी सेंचुरी के एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकें। इसके बाद फिर मैं नेल्स ले लेती हूँ, और यहाँ से मैं ये डेकोरेटिव आइटम ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या चीज़ है ये कित, और यहाँ से भी मैं ये पज़ल पीस उठा लेती हूँ, यहाँ से प्लैंक लेती हूँ मैं, और यहाँ से ये तीन डायमंड ले लेती हूँ। डायमंड वैसे भी इस बार मुझे बहुत ज़्यादा मिल गए थे जब मैंने माइनिंग वगैरह की थी, तो इस बार डायमंड जो है वो मिल गए थे। जब हम एक्स्ट्रा टास्क एक करते हैं तो उसमें हमारे 10 डायमंड लगते ही हैं, और जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं तो 4 या 5 डायमंड तो इजी वे में हमें मिल ही जाते हैं। अगर आपने 2 बार माइनिंग टास्क कर लिया तो आराम से 7-8 पीस निकल आते हैं, तो अपनी वो चीज़ की रिकवरी हो ही जाती है। और यहाँ से मैं डक्ट टेप लूँगी क्योंकि मुझे बान अपग्रेड करना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारे रिवार्ड्स अब मैं ले लेती हूँ। कलेक्ट कर लिए हैं मैंने सारे रिवार्ड्स, इसके साथ ही हम लोग, या तो आपको एक कैलेंडर के बारे में बता देती हूँ, अभी जो नया कैलेंडर आज आया है उसके अकॉर्डिंग अभी आज जो है वो क्रॉप बूस्टर इवेंट चल रहा है, जिसमें कि सभी क्रॉप जो है 2 की जगह हमें 3 बार मिलेगी। तो इसमें आप ये कोशिश कीजिए कि जो कॉस्टली, जैसे मैंने ये देखा है कि टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जैसे मैंने राइस के नूडल्स बना करके सेल करती हूँ मैं, और ऐसी कई चीज़ें जिसमें कि आपको लगता है कि जिसको प्रोडक्ट बना करके हम सेल कर सकते हैं, तो मैं मैक्सिमम वही चीज़ें लगाती हूँ। इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए, मैक्सिमम क्रॉप लगाइए और अपने ही यूज़ में लीजिए, क्योंकि सेल करने पर अभी आपको इतना अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो ऐसी क्रॉप लगाइए जिससे आपको जो प्रोडक्ट जो है वो आप मैक्सिमम बना सकें, और उसी के हिसाब से आप बनाइए। अब नेक्स्ट उसके बाद फिर आएगा स्पिन द व्हील, और वेडनेसडे को हमें मिलेगा बॉट इवेंट जो कि 2XXP है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले अभी 2 दिन पहले ही मेरा लेवल अप हुआ है, और उसके बाद भी मेरे 2 लाख के करीब पॉइंट हो चुके हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि अगर इस वीक में, एक तो देखिए वेडनेसडे को आ रहा है 2XXP वीक XP का बोट का इवेंट, और उसके बाद आ रहा है फ्राइडे को तो पज़ल प्राइस पीसेस मिलेंगे हमें, तो वो भी मैं पूरा कलेक्ट करूँगी। तो हो सकता है इन सब चीज़ों में, इसके बाद ट्रक ऑर्डर है 2X कॉइन का सैटरडे वाले दिन, तो आप भी पूरी कोशिश कीजिए कि कॉइन XP और ये सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम मिल सके। उसके लिए अपने प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम बना करके अपने पास रखिए, और इसी से आपको कॉइन भी ज़्यादा मिलेंगे और आपकी XP जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, आपका लेवल अप जो है वो बहुत तेज़ी से होगा। अब एक बार हम वापस से हमारी नई चीज़ स्क्वायरल को देख लेते हैं, देखते हैं उसने कितने इकट्ठे कर लिए। देखिए 14 जो है पीनट पॉट्स जो है वो कलेक्ट कर चुकी है, और जैसे ही ये 300 होंगे और हमें पीनट जो है वो मिल जाएगा। तब तक के लिए इसी तरीके से हमारा चैनल देखते रहिए, और अगर आपको हमारी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।